नमस्कार, धर्मज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने से देखिए शिव की नगरी काशी अब और भी नव्य और दिव्य हो गई है। 33 महीने पहले जो सपना पीएम मोदी ने दिखाया अब वो साकार हो चुका है। अब भव्य कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। 900 करोड़ की लागत से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए कितना आलीशान है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इस वक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी नजरें काशी पर ही जमी हुई हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में बना कॉरिडोर जो माँ गंगा को सीधे ब्रह्मांड के स्वामी बाबा विश्वनाथ से जोड़ता है। इसमें काशी की संस्कृति, काशी का इतिहास और काशी की भव्यता भी समाई है। तो वहीं छोटी बड़ी 23 ऐतिहासिक इमारतें और 27 प्राचीन मंदिरों का पौराणिक इतिहास भी मिलता है। यूं तो देखिए काशी के कण कण में बाबा विश्वनाथ बसते हैं, लेकिन गंगा के द्वार से बाबा विश्वनाथ को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर में अब बाबा के भक्तों की एक अद्भुत दुनिया नजर आएगी। अब इसे पीएम मोदी की खुशकिस्मती समझिए या फिर सोनिया गांधी का दुर्भाग्य जो आज हर कोई मोदीमय हो रखा है। इस वक्त तमाम राजनीतिज्ञ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि अगले साल यानी कि 2022 में यूपी चुनाव है। तो देखिए विपक्ष से लेकर राजनीति के विश्लेषकों का यही मानना है कि कॉरिडोर के जरिए बीजेपी यूपी चुनाव को साधना चाहती है, और तभी देखिए इतने भव्य तरीके से कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। अब इस बीच देखिए सोनिया गांधी के काशी दौरे से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जो अभी की नहीं है बल्कि 5 साल पुरानी है। जी हाँ, आज जिन परिस्थितियों में पीएम मोदी का काशी दौरा सबसे अहम माना जा रहा है, ठीक इन्हीं हालातों में 5 साल पहले कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी काशी पहुंची थी। आज से 5 साल पहले साल 2016 में सोनिया गांधी ने काशी दौरा तो किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि काशी आकर भी वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, या फिर यूं कहें कि काशी में कदम रखने के बावजूद भी वो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद नहीं ले पाए। असल में जिस तरह से यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी काशी दौरे पर हैं, ठीक उसी तरह आज से 5 साल पहले साल 2016 में सोनिया गांधी काशी तब आई जब 2017 में यहाँ चुनाव होने थे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से कांग्रेस चाहती थी कि यहीं से चुनावी हुंकार भरी जाए, पर इसके लिए बकायदा रोड शो से लेकर जनसभा और तमाम कार्यक्रम शेड्यूल किए गए, और इसके साथ कांग्रेसी नेता राजबब्बर ने तो बकायदा सोनिया गांधी और शीला दीक्षित के साथ अपनी एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की, और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उत्तर प्रदेश और बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का स्वागत करते हैं। तो सोनिया गांधी के रोड शुरू करने से पहले सर्किट हाउस में बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया उन्होंने, और इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ। लेकिन जिसकी एक तस्वीर इस वक्त देखिए सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है और आपको दिख भी रही होगी, अब इसे आप किस्मत कहें या फिर कुछ और। काशी में आने के बाद भी सोनिया गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही रोड शो ने रफ्तार पकड़ी सोनिया गांधी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, और उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए जैसे ही डॉक्टरों की टीम उनके पास पहुंची, चेकअप के बाद उन्हें डिहाइड्रेशन, उल्टी और बुखार से ग्रसित बताया गया, और इसके बाद फौरन फ्लाइट से सोनिया गांधी को वापस दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि देखिए इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाने पर सोनिया गांधी ने खेद भी जताया था। तो देखिए पीएम मोदी की आज की तस्वीरों को सोनिया गांधी की इन्हीं 5 साल पुरानी तस्वीरों से जोड़ा जा रहा है। बस फर्क इतना है कि पीएम मोदी ने ना सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बल्कि विधि पूर्वक पूजा भी की, लेकिन दुर्भाग्य से सोनिया गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शनों से चूक गई।